हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट था कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी सप्लाई होता है ऑन करने के बाद बहुत स्लो आता है, जिसके वजह से ड्रम भरने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और उसको कैसे ठीक करते हैं इस वीडियो में मैं बताऊँगा, और उसका रीजन क्या है और मैं इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने हमारे चैनल में इसी तरह का वीडियो में लाता रहता हूं, और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी कस्टमर के घर पे आया हूं। इनका वॉशिंग मशीन में पानी बहुत स्लो ड्रम में गिर रहा है, बहुत टाइम लगता है। अभी मैं चेक कर रहा हूं इसको। फ्रेंड्स, पानी बहुत स्लो आ रहा है, और इसके लिए क्या करना है, पहले आपको पहले जो वॉशिंग मशीन का जो कनेक्टर है, जहाँ से इनलेट पानी अंदर आता है, जो वॉल में लगा रहता है, क्योंकि उधर एक एंगल का लगा रहता है, स्टॉप का लगा रहता है, उसको पहले बंद कर देना है, और बंद करके फिर इसको ये जो कनेक्टर है उसको खोलना है। इस तरह घुमाए तो वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स, खोलने के बाद पहले चेक करना है ये पाइप में पानी बराबर है या नहीं है। देखिए, ये पानी बराबर फेंक रहा है, लेकिन वॉशिंग मशीन का अंदर आने के टाइम में ये आधा से कम हो जाता है। इसके लिए क्या है फ्रेंड्स, देखिए, इसका अंदर जो इनलेट है, इसका अंदर एक जाली लगा रहता है, जिसको वजह से कचरा अंदर नहीं जाने के लिए इधर एक जाली लगा रहता है। ये हर 2-3 महीने में, समर में ज़्यादातर 1 मंथ में भी एक बार क्लीन करना पड़ेगा, 1 मंथ में भी ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ये 2 फिंगर की मदद से आप ऐसे खींच दिया तो ये बाहर आ जाएगा, और ये देखिए जाली का पीछे साइड में पूरा जमा हुआ है, और इसको क्लीन करना पड़ता। जब आप इसको क्लीन कर दोगे, पानी बराबर आना शुरू कर देगा। कभी भी फ्रेंड्स देखिए, ये वॉशिंग मशीन में कभी भी 1-2 महीना में एक बार क्लीन करना ही है। अगर नहीं करोगे तो वॉशिंग मशीन धीरे धीरे पानी स्लो कर देगा, जिसके वजह से आपको टाइम काफ़ी लगेगा, और क्लीनिंग भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आपने जो टाइमिंग वॉशिंग मशीन में एडजस्ट किया है, उसका अंदर पानी भरने में अगर 75% चला गया तो और 25% में जितना क्लीन होता उतना ही करेगा। इसलिए अगर ये पानी बराबर दिया, जो पानी भरने का टाइमिंग जितना है उतना में अगर हो गया तो ठीक ठाक चलेगा। इसलिए हर जब भी स्लो आता है, पहले स्टॉपकॉक को बंद करके इसको खोलिए, ये जो वॉशिंग मशीन का कनेक्टर का जो खोलिए, खोलने के बाद इसका जो जाली है इसको क्लीन करना है। पहले क्लीन करके इसको फिट कर दीजिए। मैं अभी इसको क्लीन थोड़ा कर देता हूँ। आप इसको रिवर्स पानी मारे तो ये क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी ये क्लीन हो गया, देखिए बिल्कुल साफ है। अब इसको क्या करना है, उसको ऐसे उल्टा लगाना नहीं, जहाँ पे पकड़ के खोले थे उसको बाहर की तरफ रहना है, और ये इनसाइड में रहना है। अगर आप उल्टा डाल लोगे तो आप खोल नहीं सकते, एक बार वो अंदर घुस गया तो फिर निकलेगा नहीं। इसलिए कभी भी ये जो हुक है जिसको पकड़ के खोलते हैं, इसी को बाहर की तरफ रखना है, और फिर जैसा था ऐसे ही लगा देना है, और ये जो कनेक्टर का पाइप भी फिर इसका साथ अटैच करके इसको फिर टाइट कर देना है। ये भी टाइट हो गया। अब वाल्व को ओपन कर दीजिए। अब जब चालू करोगे मशीन में, जो जितना पानी आना चाहिए बराबर उतना ही पानी आएगा, और कभी भी पानी कम नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी प्लम्बिंग के बारे में पूछना है तो आपको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।